नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिलाधिकारी ने नगरवासियों से अपील की है, कहा अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आपकी लापरवाही बुजुर्ग और बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि आपको कोरोना महामारी से बचने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर तेजी से हो रहा है। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आगे जिलाधिकारी ने कहा कि अभी कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क अवश्य लगाएं और मास्क लगाते समय मुंह नाक को सही तरीके से ढककर रखें। हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, क्योंकि ऐसा ना करने से आप संक्रमण अपने साथ घर लेके जाएंगे और अपने घर में मौजूद बुजुर्गों के साथ बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाएंगे, जो इनके लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए आप सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि आप बिना अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। सभी, मैं राजेश कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़, सभी जनपद के सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूँ कि COVID-19 वैश्विक महामारी से बचे रहें। बचने के इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मास्क पहने रहें। जब भी सार्वजनिक स्थल पे निकलें, घर से बाहर निकले, तो मास्क आपका पहना हुआ, मास्क तरीके से पहना हुआ, पूरा नाक मुंह पूरी तरह से ढका हो, उसी को मास्क पहनना कहते हैं। अन्यथा अगर नाक आपने खुला छोड़ रखा है या मुंह खुला छोड़ रखा है तो संक्रमण आपको लग सकता है। तो मास्क तरीके से पहने, जब भी बाहर निकले तो 2 गज की दूरी बाकी लोगों से बनाए रखें, और समय समय पर जब भी मौका लगे, हर 2 घंटे में एक बार तो आपको हाथ धोना ही है, और उसके अलावा भी जल्दी भी मौका लगे तो आप हाथ धोएं साबुन से। 20 सेकंड से ज़्यादा तक हाथ धोना बहुत जरूरी है, या सैनिटाइजर से हाथ धोना जरूरी है। ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे, और साथ में अपनी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएं, जो कि काढ़ा पी के बढ़ा सकते हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वो उपाय करेंगे तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। और आप बीमारी से बचे रहेंगे तो आपके परिवार में छोटे बच्चे जो आपके हैं या फिर आपके बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी संक्रमण से आप बचा पाएंगे। तो अपने परिवार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए इन सब उपायों का पूरा ध्यान रखें, उपाय करें, सुरक्षित रहें। यही हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ।